गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी रुचिरा पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भर है। वह पाठ हम लोग इसके प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं, साथ ही उसके शब्दार्थ भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? तो श्री कंठस्य गृहे सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, श्री कंठ के घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। कस्य गृह कोऽपि भृत्य नास्ति, किसके घर में एक भी नौकर नहीं था? ठीक है, कृष्णमूर्ति गृह कोऽपि भृत्य नासीत, कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं था। श्री कंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? कृष्णमूर्ति तस्य पितरौ च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य किया, यानी आतिथ्य सत्कार किया। कुत्र सर्वदा कुत्र सुखम, स्वावलंबने सर्वदा सुखम। फिर श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ते गृहम आगच्छत। फिर अंतिम क्वेश्चन है, कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा संति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे? कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकरा संति, कृष्णमूर्ति के 8 नौकर थे। इसी प्रकार देखिए, मंजुषात अंकानाम कृते पदानि चिनुत, आपको अंक दिए गए हैं और उनको आपको इस मंजुषा में से लिखना है छांटकर। ठीक है, देखिए 28 लिखे हैं यहाँ पे, 28 अष्टाविंशति। ठीक है, 28 का मतलब होता है अष्टाविंशति। 30 लिखे हैं, 30 का मतलब त्रिंशत। 24 चतुर्विंशति, 50 पंचाशत, 27 सप्तविंशति, 31 एक त्रिंशत और 40 चतुर्विंशत। 40 हमारे पाठ के अंदर भी आया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके चित्र आपको पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए हुए हैं, तो इससे मंजुषा पदानी वाक्यों को रचना है। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्रों को देखकर मंजुषा ते पदों को चुनकर उनसे वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है, तो देखिए, एष कृषक क्षेत्रम कर्षति, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखित समय वाचकान अंकान पदेशु लिखत। ठीक है,